हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत दिन हो गया मैं वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरे पास कुछ अपडेट भी नहीं था। आज कुछ खास अपडेट नहीं है, लेकिन जो भी अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे IDBI एग्जीक्यूटिव का जो अपडेट है, IBPS क्लर्क का जो वैकेंसी निकला है, और बाकी मैं आपके साथ कुछ और बात करूँगा, जैसे कि अभी एग्जाम भी नहीं है, रिक्रूटमेंट भी नहीं है, लेकिन क्या करें, पढ़ाई करने के लिए मन नहीं कर रहा होगा क्योंकि कुछ एग्जाम ही नहीं, एग्जाम डिले हो गया, रिजल्ट भी नहीं निकल रहा है। RRB का हो, SBI का हो, मुझे लगा कि आप लोग थोड़ा डीमोटिवेट हो रहे होंगे, सो इसलिए एक वीडियो बन जाए। अपडेट ये है कि जो लोग IDBI एग्जीक्यूटिव के मेरिट लिस्ट में थे उनको मेल नहीं आया था पोस्टिंग के लिए, कुछ लोगों को इस बार मेल आया है। 13 तारीख मतलब कल तक उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करना था, अपलोड करना था, और एक मेल आईडी में एक लिंक दिए है, उस वेबसाइट में जाके आपको आपका जो कास्ट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। 2-3 लोग मेरे पास मेल किए, कुछ सब्सक्राइबर मुझे कमेंट में भी बता रहे थे कि उनको मेल आया है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में सबमिट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि सेकेंड फेज का शायद क्या, मुझे भी लग रहा है एक बंदे ने फ़ोन किया था उनको, उसको भी बताया गया है कि आपका जो रिक्रूटमेंट है वो आपको मिल जाएगा, सितंबर एंड तक मिल जाएगा। तो ठीक, जब भी पोस्टिंग आएगा, मेल आएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। जो वेटिंग लिस्ट में है वो भी थोड़ा परेशान हो रहे होंगे कब आएगा, तो उनको शायद सितंबर में तो नहीं, अक्टूबर में आ जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो IBPS क्लर्क का रिक्रूटमेंट इस साल 12,000 समथिंग रिक्रूटमेंट निकला है, और मुझे लग रहा है ये रिक्रूटमेंट ज़्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि मेरे साथ में जो 2-3 साल से दिख रहा हूँ, जो बैंक 10, 12, 22, 25 ऐसे करके वैकेंसी निकल रहे, वो मोर देन 100 पोस्टिंग ले रहे हैं। जैसे कि पिछले साल बैंक ऑफ इंडिया में पहले भी बताया था, मतलब IBPS प्योर रिक्रूटमेंट निकला था, उस वीडियो में भी मैं बताया था कि वैकेंसी बढ़ेगा, और आज मैं बता रहा हूँ जो पिछले साल हुआ था, बैंक ऑफ इंडिया ने 12 वैकेंसी निकाला था उड़ीसा से, लेकिन जब उन्होंने पोस्टिंग लिए 120 या 125 ऐसे कुछ पोस्टिंग लिए थे, पता चलता है, इससे पता चलता है कि वैकेंसी जरूर बढ़ेगा। पढ़ाई करो, प्रिपरेशन, मेहनत करो, खूब मेहनत करो इस बार निकल जाने के लिए, बहुत वैकेंसी है, और भी वैकेंसी मुझे लग रहा है बढ़ेगा, लेकिन वो कोई नोटिफाई नहीं करेगा आपको, जो पोस्टिंग मिलेगा आपको पता चलेगा कि हाँ भाई वैकेंसी इतना आया था लेकिन पोस्टिंग बहुत लोगों ने किए है। मेरा दुआ है आपके साथ हमेशा रहेगा, और आगे जाके कोई भी डाउट होगा प्रिपरेशन के रिलेटेड या फिर डॉक्यूमेंट रिलेटेड, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। ये था वीडियो। अगर आपको अभी आप अभी डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, आपको प्रिपरेशन करने में मन नहीं कर रहा है, पढ़ाई करने में मन नहीं कर रहा है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है प्रीलिम का, और आगे जो एग्ज़ाम है IBPS PO का वो डिले होगा कि नहीं होगा, ये सब बीच में आपको पढ़ाई करने के लिए मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ मेरा भी ऐसे फेज चल रहा था, जैसे कि मुझे रिक्रूटमेंट नहीं मिल रहा था, और मैं क्या कर रहा था उसी फेज में या फिर उससे पहले भी मैं क्या कर रहा था, मैं संदीप महेश्वर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं उनका वीडियो देख रहा था, उनका 1-2 वीडियो था जो मैं रोज़ देखता था, मतलब जब मैं डिमोटिवेट फील करता था या फिर मुझे पढ़ाई करने में मन नहीं करता था, मैं वो वीडियो देखता था, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन आप लोग पढ़ाई करने के लिए मन करें ना करें, अब एक बार वो वीडियो देख लीजिए, एनर्जी भर भर के आपके अंदर, मतलब एनर्जी आपके अंदर भर जाएगा, वो वीडियो में इतना कुछ है, मतलब एक बार देख लीजिए। तो ये था वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आप कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट करो किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, जिस कमेंट के ऊपर ज़्यादा लाइक आएगा मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। हाँ, वीडियो के एंड में आपको कुछ टाइम लैप्स वीडियो भी मिलेगा जो मैं खुद शूट किया था मेरे मोबाइल से,
अगर वो वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आगे जाके ऐसे कुछ टाइमलेस वीडियो आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो।